हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन सेटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन में आपको नोटिफिकेशन ऑफ करनी है, ऐड करनी है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जब नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सबसे पहले ऐप नोटिफिकेशन, ऐप नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे अधिक देखने को मिलती है। आप चाहते हैं कि हमें उसकी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए या आपकी उसकी ज़रूरत नहीं है नोटिफिकेशन की, तो यहाँ से हम उसे इस प्रकार से ऑफ कर देंगे। आपको स्नैपचैट की कोई भी नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी, स्मार्ट थिंग की नहीं मिलेगी। शेयर चैट को चाहती है तो शेयर चैट को ऑफ कर देंगे, इनकी आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी। जिन जिन एप्लीकेशन का आपको ऑफ करनी है वो यहाँ से जाके आप इसमें से ऑफ कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन है जिसकी आपको ऑफ कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। इतनी सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना, और जिसकी आपको ज़रूरत है उसकी आपको ऑन कर लेना है। तो यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से हमें इनकी क्रोम ब्राउज़र हमने डॉल कर रखा है, इसकी नोटिफिकेशन हम ऑफ कर देते हैं। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, इसे आप ऑन कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन कैसे देखनी चाहती है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, डिटेल या ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल, नोटिफिकेशन को आप किस स्टाइल में देखना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। ब्रीफ में आपको इस प्रकार से दिखेगी, पॉपअप में आपको डिटेल मिल जाती है नोटिफिकेशन की। इस प्रकार जैसे कोई नोटिफिकेशन आती है उसकी डिटेल मिल जाती है आपको, लॉक स्क्रीन पर बता रहे हैं काम करेगा ये, यहाँ से आपको इस प्रकार से देखना मिल जाती है। इसमें आपको एप्स टू शो ब्रीफ मिल जाती है, एज लाइट मिल जाती है, कलर कीबोर्ड मिल जाता है। एज लाइट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद यहाँ आपकी लाइटिंग मिल जाती है, जो ऊपर आपकी नोटिफिकेशन आती है तो इसमें से आप कोई भी एक लाइट सेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको लाइटिंग ऊपर ही देखने को मिल जाती है, तो जो भी आपको लाइट चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर लेंगे इस प्रकार से, तो आपकी लाइटिंग देखने के लिए मिल जाती है। आप देख सकते हैं साइडों में लाइट आ जाती है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर ही आ जाती है, और इसे ऑन करने से आपके यहाँ साइडों में लाइट आती है। तो जो भी नोटिफिकेशन की लाइट आपको चाहिए वो ऊपर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं आपको मिल जाती है, और इसे डन कर देंगे तो यहाँ से आप इसे डन कर देंगे तो आपकी लाइट सेट हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर सेट कर सकते हैं। नीचे एडवांस सेटिंग मिल जाती है, एडवांस सेटिंग में आपकी बहुत सारी सेटिंग मिल जाती है, नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।